ऑनलाइन क्लास में आप सबका स्वागत है। आज हिंदी विषय के पाठ एक साखी का अर्थ पढ़ेंगे। इसके कवि जो हैं कबीरदास जी हैं, जिसके बारे में आपने पिछले वीडियो में जाना था। आज हम पहली साखी पढ़ते हैं, ऐसी वाणी बोलिए उनका आपा खोई। बच्चों, कबीरदास जी कहते हैं कि हमें ऐसी वाणी बोलनी चाहिए कि मन का आपा खोए, अपने मन का अहंकार दूर हो, अपना तन शीतल करे, अपना तन और मन, अपने तन और मन को शीतलता प्राप्त हो, औरों को सुख हो और दूसरों को भी सुख की प्राप्ति हो। समझ में आ गया होगा बच्चों। अब दूसरी साखी देखते हैं, कस्तूरी कुंडल से मृग ढूंढे बनवाए, हिरण मृग को हिरण कहते हैं, तो हिरण जो है उसके नाभि कुंडल का अर्थ होता है नाभि, और कस्तूरी एक तरल पदार्थ है, तो मृग जो है मृग के नाभि में एक तरल पदार्थ जो कस्तूरी के नाम से जानी जाती है, तो कस्तूरी की महक जब उसे लगती है तो उस महक के कारण वह बन बन भटकता घूमता रहता है। ठीक उसी तरह से कबीरदास जी कहते हैं कि ठीक उसी तरह से ऐसे घटी घटी काम है दुनिया देखे ना कि सभी हृदय में भगवान का वास है, लेकिन फिर भी अज्ञानतावश वे इस संसार के मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा अन्य स्थानों में भगवान की प्राप्ति के लिए ढूंढता फिरता रहता है। अब तीसरी साखी पढ़ते हैं, जब मैं था तब है नहीं अब है मैं नहीं। कबीरदास जी कहते हैं कि मैं का अर्थ है अहंकार। कबीरदास कहते हैं कि जब मेरे अंदर अहंकार था तब मुझे भगवान की प्राप्ति या भगवान हमारे मन में भगवान का वास नहीं था। जब मेरे अंदर अहंकार था तब हमारे अंदर भगवान का वास नहीं था, अब है मैं नहीं। कहते हैं कि अब हमारे हृदय में भगवान का वास है तो मेरे अंदर का अहंकार समाप्त हो गया, सब अंधियारा मिट गया जब दीपक देखा, सब अंधियारा मिट गया, अंधियारा का अर्थ है यहाँ पर अज्ञानता से, और दीपक अर्थ है प्रकाश से, या दीपक की तुलना ईश्वर से भी की गई है और अंधियारा का अज्ञानता से, तो सब अंधियारा मिट गया, हमारे मन का हमारे मन की मन में जो अज्ञानता थी वह समाप्त हो गई, जब दीपक देखा माय, जब मुझे दीपक रूपी प्रकाश दिखा या मुझे ईश्वर की प्राप्ति हो गई, ईश्वर के दर्शन। अब आगे चौथी साखी में चलते हैं, सुखिया सब संसार है खाए और सोवे। कबीरदास जी कहते हैं कि ये संसार सुखी है, ये संसार सुखी है जो केवल खाता है और सोता है, मतलब भौतिक वस्तुओं की सुख की प्राप्ति से है वही उसे सुख मानता है। दुखिया दास कबीर है, ये देख करके कबीरदास जी दुखी हैं कि जागे और रोवे, कि वे भगवान की प्राप्ति के लिए जागते रहते हैं और उनके स्मरण में रोते रहते हैं। उनके कहने का अर्थ है कि जो भौतिक सुखों से सुखों को प्राप्त कर रहे हैं वो अपने आप को सुखी मान रहे हैं, और जो भगवान को भगवान की प्राप्ति करना चाहते हैं वे दुखी हैं। मैं आशा है आप सबको ये अर्थ समझ में आएंगे। अब अगली वीडियो में आप अगली चार साखियों के अर्थ पढ़ेंगे।